अपने मोबाइल को कंप्यूटर माउस कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, अपने मोबाइल में जाएंगे, एप्लीकेशन से प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है रिमोट पीसी या फिर रिमोट डेस्कटॉप भी लिख सकते हैं, रिमोट पीसी लिखेंगे, जैसे कि मैं भी लिख रहा हूँ रिमोट पीसी। रिमोट पीसी लिखने के बाद सेकंड नंबर का ऑप्शन, जैसे सेकंड नंबर पर मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करेंगे, फिर हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद अपने पीसी या फिर लैपटॉप पर क्रोम को ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने क्रोम पर जाकर हम सर्च करता है क्रोम रिमोट पीसी डिस्क, या फिर हमें क्रोम रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। डेस्कटॉप फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे, फर्स्ट लिंक क्लिक होने वाली है। क्लिक करने के बाद इस एक तरफ पीसी में आएगा हमारे पास इंस्टॉल का ऑप्शन, जस्ट नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसको इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पीसी में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद हम अपने मोबाइल के जो अभी रिमोट पीसी डिस्क एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उसे ओपन करेंगे। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि दोनों में क्रोम एक ही होना चाहिए, क्रोम में अपनी यूजर आईडी लॉगिन एक जैसी होनी चाहिए। जैसे फिर हम ऐप को ओपन करेंगे वैसे हमारे पास हमारे डेस्कटॉप का नाम और पासवर्ड आ जाएंगे। पासवर्ड आने के बाद वो थोड़ा लोडिंग चलेगा, कनेक्ट होने लगेगा। चाहे आप कितने भी दूर हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पिन दर्ज करेंगे जो आपने एप्लीकेशन में पिन दे रखा है। पिन डालने के बाद उसको एरो के निशान पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। कनेक्टिविटी स्टार्ट होने पर आपके विंडो पर शो होने लगेगी और आपके मोबाइल पर आपको विंडो स्टार्ट होने लग जाएंगे। विंडो स्टार्ट होने के बाद आप इसमें मोबाइल से ही आपके एप्लीकेशन या फिर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर पीसी चलाएंगे, जो भी ओपन करेंगे वो आपकी पीसी में ओपन हो जाएगा, या फिर आपकी पीसी में जो भी ओपन कर रहा है वो आपको शो होने लग जाएगा। इसके बाद आप अपने पीसी को अपने ही मोबाइल से कैसे भी चला सकते हैं, कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, यहाँ से माउस भी चला सकते हैं, यहाँ से कीबोर्ड भी चला सकते हैं, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी म्यूजिक को चलाएंगे तो वो आपके पीसी के अंदर चलेगा, आवाज़ भी आपके मोबाइल में सुनाई देगी, और तो और वीडियो भी आप देख सकते हैं, पूरी स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, आप पीसी चला सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं, जो अल कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं वो सब कुछ अपने पीसी को। Free computer and all Diginer graphic photo set and other connection to your computer. So Paul Z subscribe this YouTube channel. DRX Anal Verma.